जय हिंद साथियों, वेलकम है आपका विजय पथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर में। आज हिमाचल पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था, तो हमारे एक स्टूडेंट ने हमें जो है वो इसका पेपर जो है वो दिया था, तो आज हम इसकी आंसर की जो है वो आप सभी के साथ यहाँ पर जानेंगे। काफ़ी अच्छा पेपर जो है हिमाचल पुलिस के द्वारा पूछा गया था, आज हम इसमें जीके और साइंस का पोर्शन जो है वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा 33 क्वेश्चन था, ये आपकी सीरीज ए रहेगी। इसमें जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था, तो उस दिन कौन सा त्यौहार था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस दिन कौन सा त्यौहार था, दीपावली थी, बैसाखी, लोहड़ी या फिर होली। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी, उस दिन जो थी वो बैसाखी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 34, किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है, तो उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, असहयोग आंदोलन को किस वर्ष में निलंबित कर दिया गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था। इसका आंसर आपका रहेगा 1922, ऑप्शन ए जो है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस पड़ोसी राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल के साथ जो है वो जम्मू के साथ लगती है, जम्मू और कश्मीर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 37, सीरीज ए है ये आपकी, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में कोयले के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं, तो सबसे बड़े भंडार जो हैं ये हमारे पाए जाते हैं झारखंड में, धनबाद एक जिला है इसका, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो कोयले जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, किस प्रकार की मिट्टी भारत की अधिकतर नदी घाटियों और तटीय मैदानों में पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपके पूरे भारत में ज़्यादातर नदी घाटियों और तटीय मैदानों में पाई जाती है, तो इसका जिन्होंने भी ऑप्शन ए टिक किया है वो उनका सही आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, कौन सी नदियाँ हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से निकलती हैं, तो इसका जो आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा वो है आपका ब्यास, रावी और चिनाब। ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, ब्यास, रावी और चिनाब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 था आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, किस राज्य में मॉनसून सबसे पहले पहुंचता है, तो सबसे पहले मॉनसून जो है ये आपका पहुंचता है केरल में, तो इसका आंसर केरला जो है ऑप्शन सी वो इसका बिल्कुल सही आंसर था। उसके बाद चोटियों से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन 41 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उस चोटी का नाम है कंचनजंगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये, आई होप आपने सभी के आंसर जो है ये बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु पूछा गया था, तो हिम तेंदुआ, स्नो लैपर्ड, डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 था, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, बिगेस्ट नेचुरल लेक, तो वो है आपकी रेणुका झील जो कि आपकी सिरमौर में पड़ती है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद बात करते हैं, शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष घोषित किया गया था, तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 1864, ऑप्शन बी जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1864 को शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, पहाड़ों की वाराणसी और छोटी काशी में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है, तो छोटी काशी जो है वो मंडी के नाम से हम उसको जानते हैं, और वहाँ पे जो है वो महाशिवरात्रि का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर था। उसके बाद था, वर्तमान में समाचारों में वर्णित ई दखिल पोर्टल किस क्षेत्र के साथ संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन बी था, उपभोक्ता शिकायतों के साथ ये संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है जीके का ये, राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अवधि के उपरांत
कितने जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो 1/3 ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर था। 1/3 जो हैं वो सारे के सारे रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं साइंस की, जो कि सीरीज ए में सबसे लास्ट में पूछी गई थी आपसे, क्वेश्चन नंबर 73 था यहां पर साइंस के रिगार्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक ड्रग है, तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हीरोइन जो है वो आपकी सिंथेटिक ड्रग में काउंट की जाती है। सिंथेटिक ड्रग एक ऐसी ड्रग है जिसको केमिकली लेबोरेटरी में बनाया जाता है, तो हीरोइन को जो है वो केमिकली लेबोरेटरी में बनाया जाता है। उसके बाद काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कौन सा इसमें से रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो यूरेनियम, रेडियम और प्लूटोनियम ये सारे के सारे आपके रेडियोएक्टिव मटेरियल हैं, और आपका बोरोन जो है वो आपका रेडियोएक्टिव मटेरियल नहीं है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 था ये, किस में ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं पाया जाता है, तो फैटी एसिड जो है वो मेनली मछली में पाया जाता है, साथ में अखरोट और अलसी में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि किसमें फैटी एसिड नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन डी सलाद जो है वो इसका राइट आंसर था। उसके बाद मृग तृष्णा मिरेज जो है वो किस सिद्धांत के साथ संबंधित है, तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम जिसको जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए परावर्तन। परावर्तन जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास, किस तेल का उपयोग झाग प्रबलनशीलता प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, फ्लोटेशन प्रोसेस जो होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, पाइन ऑयल का, चीड़ के तेल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु कौन से प्राकृतिक घातक बीमारी के लिए जिम्मेदार है, तो ये टाइफाइड के लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद जनरल साइंस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, BCG का टीका किसे रोकने में सहायक होता है, तो TB को ये रोकता है, तो ऑप्शन बी यक्ष्मा जो है वो इसका राइट आंसर था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, किरणों के रंग में जो सबसे कम और अधिक विचलित होते हैं तो वो आपका आएगा लाल और बैंगनी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।